एसपी सांसद और रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव ने बड़ा बयान दिया है। अक्षय यादव ने कहा है कि शिवपाल सिंह यादव बांटने की राजनीति कर रहे हैं। अक्षय यादव का कहना है कि जिन लोगों को पार्टी से निकाला गया है उनसे उनका पक्ष नहीं पूछा गया। अक्षय यादव से खास बातचीत की इंडिया 24/7 संवाददाता अनुराग चड्ढा ने। समाजवादी पार्टी में घमासान अभी थमा नहीं है। हमारे साथ फिरोजाबाद से सांसद अक्षय यादव जी, उनसे हम बात करते हैं। आज शिवपाल जी की तरफ से और कार्रवाई की गई है और उस लेटर में लिखा गया है कि मुलायम सिंह यादव जी के खिलाफ इन लोगों ने कड़ी टिप्पणी की थी। इसमें यूथ ब्रिगेड के भी अध्यक्ष हैं, MLC हैं और वो CM के खास हैं। तो इस कार्रवाई से पूरी समाजवादी पार्टी में किस तरह का संदेश जाएगा और ये कार्रवाई क्या आप सही मानते हैं? देखिए, जिन लोगों पर आज कार्रवाई हुई है वही लोग हैं जिन्होंने 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाने का काम करा। ये लोग पिटे, इन्होंने नारे लगाए, जनता के बीच गए और मायावती ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि इन लोगों को बर्बाद कर दें, लेकिन ये डटे रहे समाजवादी पार्टी के साथ, अखिलेश भैया के साथ डटे रहे, नेताजी के साथ डटे रहे और सरकार बनवाने का काम करा। अगर इन लोगों के साथ ऐसी कार्रवाई होगी तो कार्यकर्ता मायूस होते हैं। उसी के रिएक्शन में जो आगे घटनाएँ हो रही हैं, कोई इस्तीफा दे रहा है, कुछ हो रहा है, इसलिए ये चल रहा है। ये सब नहीं होना चाहिए। बाहर के लोगों की राय माननी बंद कर देनी चाहिए। अब किस तरह का मैसेज जाएगा जब जो समाजवादी पार्टी की जो ऊपर की लीडरशिप है अगर वही लड़ रही है तो नीचे की लीडरशिप में जो हमेशा गुटबाजी रहती थी तो और ज़्यादा डिफरेंसेस लोगों में आएंगे? देखिए, लीडरशिप नहीं लड़ रही है कहीं, जो काम करने का तरीका है वो गलत है। अगर लीडरशिप की लड़ाई होती तो मुख्यमंत्री क्यों बैकफुट पर आते? लीडरशिप की कहीं लड़ाई नहीं और सबके मन में पता है कौन किसका लीडर है और सबकी आस्था है अगर अखिलेश भैया के नेतृत्व में चुनाव होगा, वो चेहरा होंगे तो हम सरकार दोबारा बनाएंगे। और आज की डेट में भी कहते हैं एक कार्यकर्ता निराश है, नाराज नहीं है। जो फिरोजाबाद से सांसद अक्षय यादव हैं उनका मानना है कि ये जो कार्रवाई लगातार हो रही है जिन लोगों पर, ये पार्टी के पुराने वफादार सदस्य हैं और इन्होंने ही जब बसपा शासनकाल में पुलिस की लाठियां खाई थी और समाजवादी पार्टी के लिए मेहनत की थी, इसलिए जो इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है पूरी तरह से गलत है।